हमारी जिस मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, अजम के साथ इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम इस मुल्क में अल्लाह का निजाम चाहते हैं। अमेरिका और उसके वफादारों और गुलामों और एजेंटों के निजाम से बगावत का ऐलान करते हैं। मेरे दोस्तों, पीटीआई ने इस कौम को रुलाया था और पीडीएम ने इस कौम को तड़पाया। ये दोनों पार्टियां अमेरिका के डिक्टेशन पर, आईएमएफ के गुलामी पर राजी है और हमारी किस्मतों के फैसले आईएमएफ के बंद कमरों में होते हैं और ये दोनों इसको कबूल करते हैं। आईएमएफ के कहने पर इन्होंने डॉलर की कीमत में इजाफा और आपकी रुपया की कीमत में कमी की। उनके हुक्म पर पेट्रोल और डीजल, चीनी, चाय और चावल और दवाइयों की कीमत में इजाफा किया और अब पीटीआई और पीडीएम ने मिलकर आवाम से जीने का हक छीन लिया है। इनको शर्म नहीं आती कि इनके घोड़े, इनके कुत्ते एयर कंडीशन हालों में होते हैं और पाकिस्तान के लोग शेरिंग बिजली ना होने की वजह से आग में जल रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में करप्शन का? कौन जिम्मेदार है इस मुल्क के दायरे तबाह हो गए? कौन जिम्मेदार है कि स्टील मिल, रेलवे, पीआईए, वापदा, पीटीसीएल, पाकिस्तान के तमाम इदारे नाकामी से दो चार है? तो एक तरफ मेरी कौम फाकों से दो चार है और दूसरे तरफ हुक्मरानों के खजानों में इजाफा हो रहा है। टैक्सेस का बमबारी है और शहबाज शरीफ साहब को हर दिन एक ड्रोन हमला करता है। मेरे दोस्तों, ये पीटीआई और यही पीडीएम, ये तुम्हारे मुल्क में गुर्बत के जिम्मेदार, मईशत की तबाही के जिम्मेदार। इन्होंने कर्जी लिए और इनके लोगों ने हड़प किए हैं और बोझ मुझे और आपको उठाना है। मैं आपसे पूछने आया हूं कि जालिमों के जुल्म के खिलाफ, करप्ट लोगों की इस करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार होके नहीं हो? हर दिन एक ड्रोन हमला करता है। मेरे दोस्तों, ये पीटीआई और यही पीडीएम, ये तुम्हारे मुल्क में गुर्बत के जिम्मेदार, मईशत के तबाही के जिम्मेदार। इन्होंने कर्जे लिए और इनके लोगों ने हड़प किए हैं और बोझ मुझे और आपको उठाना है। आराम से जीने का हक छीन लिया है। इनको शर्म नहीं आती कि इनके घोड़े, इनके कुत्ते एयर कंडीशन हालों में होते हैं और पाकिस्तान के लोड शेडिंग, बिजली न होने की वजह से आग में जल रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में करप्शन का? कौन जिम्मेदार है? आराम से जीने का हक छीन लिया है। इनको शर्म नहीं आती कि इनके घोड़े, इनके कुत्ते एयर कंडीशन हालों में होते हैं और पाकिस्तान के लोड शेडिंग, बिजली न होने की वजह से आग में जल रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में करप्शन का? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है कि स्टील मिल, रेलवे, पिया
रहे हैं वो आपका पीटीसीएल पाकिस्तान के तमाम इदारे नाकामी से दो चार है। तो एक तरफ मेरी कौम फाकों से दो चार है और दूसरे तरफ हुक्मरानों के खजानों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस के बम्बारी है और ये दोनों इसको कबूल करते हैं। आईएमएफ के कहने पर इन्होंने डॉलर की कीमत में इजाफा और आपकी रुपया की कीमत में कमी की। उनके हुक्म पर पेट्रोल और डीजल, चीनी, चाय और चावल और दवाइयों की कीमत में इजाफा किया। फाकों से दो चार है और दूसरे तरफ हुक्मरानों के खजानों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस के बम्बारी है और शहबाज शरीफ साहब तो हर दिन एक ड्रोन हमला करता है। मेरे दोस्तों, ये पीटीआई और यही पीडीएम ये तुम्हारे मुल्क में गुर्बत के जिम्मेदार, मईशत के तबाही के जिम्मेदार, इन्होंने कर्जे लिए और इनके लोगों ने हड़प किए हैं और बोझ मुझे और आपको उठाना है। आवाम से जीने का हक छीन लिया है, इनको शर्म नहीं आती कि इनके घोड़े, इनके कुत्ते एयर कंडीशन हालों में होते हैं और पाकिस्तान के लोग लोड शेडिंग, बिजली ना होने की वजह से आग में जल रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में करप्शन का? कौन जिम्मेदार है कि इस मुल्क के इदारे तबाह हो गए? कौन जिम्मेदार है कि स्टील मिल, रेलवे, पीआईए, वापदा, पीटीसीएल, पाकिस्तान के तमाम इदारे नाकामी से दो चार है? हमारे जिस मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, अज़म के साथ इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं, अमेरिका और उसके वफादारों और गुलामों और एजेंटों के निज़ाम से बगावत का ऐलान करते हैं। मेरे दोस्तों, पीटीआई ने इस कौम को रुलाया था और पीडीएम ने इस कौम को तड़पाया। ये दोनों पार्टियां अमेरिका के डिक्टेशन पर, आईएमएफ के गुलामी पर राजी है और हमारी किस्मतों के फैसले आईएमएफ के बंद कमरों में होते हैं और ये दोनों इसको कबूल करते हैं। आईएमएफ के कहने पर इन्होंने डॉलर की कीमत में इजाफा और आपकी रुपया की कीमत में कमी की। उनके हुक्म पर पेट्रोल और डीजल, चीनी, चाय और चावल और दवाइयों की कीमत में इजाफा किया और अब पीटीआई का फैसला है कि हम आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सर पर कप है, हम आपके लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा, खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार है। तो आप साथ चलेंगे कि नहीं? इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।